कितना सुंदर लग रहा है। वाह सच में यार, मैं कहूंगा जरूर एक बार बंदे को ना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल रोड ट्रिप पे। पहले मैंने सोचा था सोलो ट्रिप करूंगा, पर ये सोलो करने कहाँ देते हैं मुझे। ये जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उज्जैन, और उज्जैन क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में बैठ के। पहले हम चलते हैं क्योंकि थोड़े से लेट हो गए। थोड़े क्या, सुबह सुबह 9 बजे जाना था, दोपहर के 1 बज गए हैं। अक्सर दोस्तों के साथ जाते हैं तो ऐसे ही रहता है। से हेलो चंदेल साहब। हेलो। प्लान तो हम दोनों का ही था उज्जैन जाने का, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने प्लान करा कि उज्जैन जाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पे भी है। वहाँ मंदिर, जहाँ शिव के मंदिर में जाएंगे, महाबलेश्वर मंदिर है। और पर जब दो जने इकट्ठे जाते हैं और सबको पता लगता है इसी जगह जा रहे हैं, तो हमारे 3 दोस्त और रेडी हो गए। चंदेल साहब के दोस्त हैं वैसे, वो 3 और रेडी हो गए। हम उनको पिक करने आए हैं और फिर यहाँ से चलते हैं सीधा उज्जैन। सफ़र बहुत लंबा रहेगा, 2-3 दिन के व्लॉग्स मैं इसमें शूट करूँगा। चलो चलते हैं। ये बनाया है इंडिया ने, नेशनल हाईवे ना, दुबई जैसी फीलिंग आ रही है, पूरा दुबई जैसे ट्री बना रखे हैं। यहाँ पे स्पीड लिमिट 90 की स्पीड लिमिट है, और पीछे हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, इनको मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा जब हम कहीं जगह रुकेंगे। हेलो बोल दो सारे। हेलो। ऑलमोस्ट हमें यहाँ से पहुँचने में लगेंगे 16 घंटे लगेंगे, और कल सुबह हमारे दर्शन होंगे। भाई ने, अवनीत भाई ने हमारी बुकिंग करवा दी है। उज्जैन महाकाल मंदिर जा रहे हैं हम। वहाँ स्टे का क्या सिस्टम? स्टे का भाई है, इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगा। चंदेल साहब सोच सोच के चला रहे हैं गाड़ी। चलान मैंने भरने है ना, कितने चलान तो भरने। आपको कैसे बताया चंदेल को स्पीड लिमिट कैसे बताया? पहले गए चंदेल ने, अच्छा चलान कटवा रखा है एक बार अपना। चलान नहीं होने दिया ना फिर। हाँ ऑनलाइन चलान होता है वो तो। ये देखो पीछे एडवोकेट नजायज फायदा उठा रहे हैं लॉक का। ये हमने सेंटर का हाईवे ऐसे ही है, सारा हाईवे है। कितना किलोमीटर तक का हाईवे है सर? ये बहुत है भाई, जयपुर वाला कनेक्ट होगा, फिर महाराष्ट्र वाला कनेक्ट होगा, जयपुर कनेक्ट होगा। ग्रीनरी चेक करो इसी हाईवे से। जयपुर कनेक्ट होगा। ओके, ये वही आगरा एक्सप्रेस हाईवे। अच्छा आगे कनेक्ट होगा ना? अच्छा आगे कनेक्ट होगा, वो मुंबई तक जाएगा जी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है रोड ट्रिप का, अगर अच्छा लगा तो दोबारा कहीं ना कहीं और कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा कोई और भी है जो इतना लंबा हाईवे है? आगरा हाईवे है, मुंबई हाईवे है। ये मुंबई वाला नहीं है क्या? ये नहीं है, जयपुर वाला है। ये जयपुर है, ये जयपुर वाया टोंक, या जयपुर टोंक, फिर मध्य प्रदेश उज्जैन वाली रोड पे आगे मुंबई एक्सप्रेसवे, वो सारा मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, जयपुर के बाद साहब। ठीक है, बड़ा स्मूथ हाईवे है। इसकी स्पीड लिमिट कितनी है आपने बताया नहीं? 120 तो होनी चाहिए, जिस हिसाब से स्मूथ हाईवे है ना। रात को तो निकल जाते, पर इस टाइम नहीं निकल पाएंगे। निकल रात में भी जाओ, पर कैमरेज आर ऑलवेज एक्टिव है। हाँ इसमें पता है क्या फंडा कर रखा है? हाँ। स्क्रीनिंग बंद कर, स्क्रीन बंद कर रखी है। हाँ। ताकि कोई ऐसा लगे तब बंद है। हाँ। और जैसे ही होता है ना वैसे चू, चू, चू। रेड कलर में स्पीड आ जाती है। पता कौन से वाले हैं? हिमाचल ने नया रोड बनाया वाले ज्यादा इरिटेटिंग है भाई। अच्छा, उसमें हर थोड़ी देर बाद लगा हुआ है वो। स्पीड लिमिट पता कितनी है? 50 कुल्लू वाला। इस हाईवे पे कोई ढाबा नहीं, एक ढाबे पे रुके हैं और कुछ खाते हैं, और इन भाइयों के इंटरव्यू ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अभी तक। इंट्रोड्यूस, इंटरव्यू है तुम्हारे लिए, जॉब तो करी नहीं तो इंटरव्यू है। हेलो क्या तुम तो जॉब करी है? भाई ये रोड एंड ही होने को नहीं आ रहा, लगभग हमें चलते हो गए यहाँ से 4-5 घंटे हो गए, और मुझे तो लगता सुबह तक पहुंचेंगे ना। 8 बजे भी कितना किलोमीटर और पड़ा है? 765 765 किलोमीटर और है।
मेरा फर्स्ट रोड ट्रिप है पर मजा भी आ रहा है साथ साथ। ये हाईवे बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ पे तो स्पीड लिमिट 100 की रखी है, 150 तक की स्पीड लिमिट होती ना फिर थोड़ा जल्दी पहुंच जाते। चलो अभी कहीं किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खाते हैं। पीछे वाले सो गए क्या, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे? जागे हैं पर रिप्लाई नहीं कर रहे कुछ। जयपुर में पता लगता है यार जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट की जाती है, कितना कलरफुल है। सुबह के बज गए 6, हम पहुंचे इस ढाबे पे, ऑलमोस्ट एमपी एंटर करने वाले हैं, कर गए हैं शायद एमपी एंटर। और अभी हम उज्जैन की तरफ निकल रहे हैं। भाई का फोन नहीं मिल रहा, अभी यहाँ पे बैठ के पॉलिटिक्स की बातें चल रही थी। अंदर ले गया, निकल गया फोन। मैं तो संभाल के रखता हूँ हर एक चीज, तो मुझे मिलती नहीं, मैं तो नहीं संभाल करके देता हूँ। नहीं, जिन्हें सारी रात गाड़ी चलाई और हमें टाइम पे पहुँचा दी। व्यू तो आ रहा जंगल में, सुबह सुबह कितना सुंदर वेदर हो रखा है यहाँ पे। हम दोनों अच्छे भले सोए रात को सारी रात, भाई अब नींद गाड़ी चलाता रहा, अच्छा मौसम हो गया, हम मिली थी गाड़ी उससे। यहाँ के जंगल ना वो है, सिंगल सिंगल सा पेड़ है, देखा ना गैप है एक। गाँव के लोग वैसे एक चीज है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारे। एक ये है 11 बजे से पहले आँख नहीं खुलती इनकी, सुबह सुबह 12 बजे से पहले एक घंटा कम दे रहा था मेरे को। मैं ऐसा इतना सुंदर व्यू आ रहा है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। में वो स्पेन की सड़कों पे घूमते हैं ना, बार्सिलोना से कहीं और जा रहे थे शायद, जर्मनी इटली जा रहे थे, तो वैसे व्यूज आते हैं, उतने सुंदर व्यूज आ रहे हैं। चंडीगढ़ से चले थे उस टाइम से डीजल अब भरवाया है ना, काफी चल गया, कितनी चल गया, ऑलमोस्ट जीरो कर लेना भाई यहाँ से, ट्रिप जीरो कर ले। कितनी चल गई वहाँ से अब तक चंडीगढ़ के यहाँ से, कितनी चल गई होगी कोई आइडिया? एक ही ट्रिप जीरो करना, हमने ट्रिप जीरो ही नहीं करा और निकल पड़े पर बहुत अच्छी चली, ऑलमोस्ट पूरी रात चलती रही, कल पूरा दिन चलती रही। चंडीगढ़ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगा लो ना। हाँ वो भी जीरो कर दो ना किलो जो। अभी चलते हैं उज्जैन की तरफ, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, 1.5 घंटे का रास्ता रह गया। पर कहते हैं यहाँ पे, मैंने पूछा भी, कहते हैं वेदर तो अच्छा ही रहता है, इतने गर्मी नहीं होती यहाँ पे कभी। एक बहुत ही ऑर्गेजमिक व्यू यार, मजा आ गया देख के, सामने विंडमिल चल रही है, बहुत ही ऑसम लग रहा है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है, और एक नहीं है बहुत सारी है, कितनी बड़ी बड़ी है। हाईली रिकमेंडेड प्लेस है, मैं तो कहता हूँ मस्ट विजिट है ये, रोड ट्रिप ना एक हिस्ट्री बनने वाला है मेरी नजरों में। मेरे को पता कि कितना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, इतना प्लेजेंट वेदर, वाओ यार वाओ। कहाँ मैं सोचता था कि कभी जाऊंगा स्पेन जाऊंगा मैड्रिड जाऊंगा कहीं जाऊंगा, पर ऐसा लगता है कि सारी कमी यही पूरी हो गई है।
वाओ सच में यार, मैं कहूंगा जरूर एक बार बंदे को ना जरूर आना चाहिए यार यहाँ पे, क्या व्यू आ रहा है देखो एक बार। आपको स्लो में दिखाता हूँ, कैमरा इतना सुंदर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन वाओ व्यू है। और यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ रहा, मैंने ट्राई करा कोशिश, पता नहीं कोई जैमर जूमर लगे हुए। इतने सुंदर नजारे हैं और जितना हम रुक रुक के पहुंच रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता आज हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतने ऑसम नजारे हैं, मन ही नहीं कर रहा जाने का। अब हमने प्रॉमिस करा है कोई नहीं रुकेगा, अब सीधे वहीं पहुंच के रुकेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम पहुंच के यार पूरा दिन लग जाएगा यहीं पे। मैं तो कहूंगा एक दिन फिर कभी आते हैं, अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर करके जाते हैं, ठीक है ना? सही है ना जगह? वैसे एक बार आओगे आई एम श्योर मुड़ के दोबारा आने का दिल करेगा आपको। और यही विंटर्स के और ये बरसात के मौसम में आने का फायदा है, यहाँ पे हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती है, ज्यादा बारिश भी नहीं होती यहाँ पे। ये देखो सामने एक और नजारा, कितना मतलब देख के ना दिल ही नहीं भर रहा, कितनी सुंदर जगह है। ये इतना ऑसम लग रहा है ना देख के, मुझे लग रहा था सूखा सूखा ड्राई ड्राई सा होगा, हाँ राजस्थान टाइप होगा, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर के साथ लगता है ना ये, पर टोटली डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। गुवाहाटी भी बहुत ग्रीन है, पर गुवाहाटी में इतनी अच्छा लैंडस्केप नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। सिक्किम में गया था, सिक्किम टाइप फील दे रहा है। ये सोयाबीन की खेती हो रही है, उन्होंने पूछा यहाँ पे, यहाँ पे सोयाबीन की खेती होती है। यहाँ महादेव के ढाबे पे रुके हैं, रेस्टोरेंट है काइंड ऑफ, यहाँ पे खाना खुना खा के सुबह से कुछ नहीं खाया। उसके बाद जाएंगे ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे, फिर वहां से वापस आएंगे ना यहाँ पे, वापस यहीं पे आएंगे, उज्जैन महाकाल, उज्जैन महाकाल जाएंगे, फिर उसके बाद फिर भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे, देन उसके बाद फिर वापस चंडीगढ़ जाएंगे, और अगर कोई और अच्छी जगह दिखी तो वहाँ भी जरूर रुकेंगे। पर रस्ते में इतने सीनिक व्यू थे, इतने ऑसम व्यू थे, मुझे नहीं पता वापस जाते वो आएंगे नहीं आएंगे, जब आएंगे तो शायद वह रात हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते राजस्थान में, हम जब सुबह पहुँचेंगे। चलो अभी कुछ खाते हैं, पहले आलू के परौंठे ऑर्डर करें हैं, वो खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवाना भूल गया था, इसको तो आप जानते ही हो, अमित चंदेल, ये है संजीव भाई, संजीव भाई से हेलो, हेलो, ये हैं रोहित भाई, रोहित भाई इंजीनियर है, संजीव भाई सिनेमेटोग्राफर है, और ये अवनीत सिंह चीमा जी हैं, ये लॉयर हैं, ये बिजी हैं अभी अपने क्लाइंट्स के साथ। ये हमारा गैंग है, हम सारे मिलके चले हैं। चलो गाइस परौंठे का वेट करते करते हम खुद परौंठे जैसे हो गए हैं, पर परौंठे नहीं आए, परौंठे खा के मिलते हैं। चंदेल साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो बोलो, कुछ पूछना है वो पानी बिहाइंड द कैमरा। चलो फिर ठीक है, परौंठे आपसे दिखाता हूँ मैं आपको, पहले परौंठे आने में बहुत टाइम लग गया, वीडियो जल्दी जल्दी खाते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली 3 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है उसको देखने आए हैं, वहाँ पे दर्शन करने आए हैं ज्योतिर्लिंग के, बहुत मान्यता है यहाँ ज्योतिर्लिंग की, तो वहाँ आए हैं और यहाँ से अभी नर्मदा नदी में स्नान करके फिर ऊपर जाएंगे।